नमस्कार दोस्तों, संगीता में rutra.com में आपका स्वागत है। आज हम आपको बेसन और लहसुन की रोटी बनाना सिखाएंगे, जो कि बहुत फायदेमंद है और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे लिया है आधी कटोरी आटा, आधी कटोरी बेसन, 5 से 6 पीस लहसुन बारीक कटे, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी, थोड़ी सी हींग, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च पिसी, थोड़ी सी अजवाइन, 1 चम्मच रिफाइन। आटे और बेसन को अच्छी तरीके से मिला लें। अब इसमें सारे मसाले मिलाएं। 1/2 चम्मच तेल डालें। नमक स्वाद अनुसार डालें, अच्छे से मैश कर लें, थोड़ा सा पानी डालें। ऐसे ही पानी की मदद से हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। अब हमारा आटा अच्छे से मल चुका है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच रिफाइंड और लगाएंगे। रिफाइंड हम इसलिए लगाते हैं कि आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, रोटी बेलने में आसानी हो जाती है। चलिए अब हम रोटी की तैयारी करते हैं। हथेली पे थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें। अब हम लोई लेंगे, उसको गोल गोल करेंगे, थोड़ा सा आटा और लगाएंगे। अब हम इसको बेलेंगे, थोड़ा सा आटा सूखा और लगा लें, जिससे लोई चिपके नहीं। हल्के हाथों से इसे बढ़ाते जाएं, घुमाते जाएं। घुमाते रहेंगे तो ये गोल गोल, बिल्कुल गोल गोल बिलेगी। अब हमारी रोटी बिल गई है, देखिए बिल्कुल गोल तैयार हो गई है। अब हम इसको सेकेंगे। गैस को तेज आंच में ऑन कर लें, तवे को गरम होने दें। अब इसमें हम रोटी डालेंगे। रोटी को नीचे से अच्छे से सिकने दें। अब इसको हम पलटा देंगे, इस साइड भी अच्छे से सिकने दें। अब इसको हम आंच में सेकेंगे। आंच में सेकते समय अच्छे से पलटाते रहें, जिससे चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। जब इसमें ब्राउन चित्ती पड़ेंगी फिर इसमें स्वाद आएगा। हमारी रोटी देखिए अच्छे से पक रही है। हमारी रोटी तैयार हो गई है। चलिए इसे गर्मा गर्म दाल के साथ में सर्व करते हैं। अगर आपको हमारी बनाई हुई चीजें अच्छी लगती हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बताई हुई कोई चीज़ बनाएं, तो नीचे कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।